गरिमास किचन हमारी आज की रेसिपी है छोले मसाला। तो आइए इसके इंग्रेडिएंट्स जान लेते हैं। काबुली चना 1.5 कप, मैंने चने को रात भर भिगो कर रखा था। बेकिंग सोडा 1/2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, चाय पत्ती 2 चम्मच, कुकिंग ऑयल, काली इलायची 1, 4 लौंग, 1 इंच दालचीनी, जीरा 1 चम्मच, 2 तेज पत्ता, 3 मीडियम साइज टमाटर का पेस्ट, 2 मीडियम साइज प्याज का पेस्ट, लहसुन पेस्ट 1 चम्मच, अदरक का पेस्ट 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, छोले मसाला 3 चम्मच, कसूरी मेथी 1 चम्मच। तो पहले हम एक बाउल में 1 गिलास पानी लेंगे और इसमें चाय पत्ती डाल देंगे। इसे तेज आंच पर बॉईल करना है। अब गैस के फ्लेम को मीडियम करके इसे थोड़ा पका लेंगे। ये देखिए चाय पत्ती पक चुकी है। अब हम एक कुकर लेंगे और उसमें चाय पत्ती छान लेंगे। चाय पत्ती अलग कर देंगे और पानी कुकर में ही रहेगा। अब हम कुकर में भीगे हुए चने डाल देंगे। अब हम इसमें बेकिंग सोडा डाल देंगे, फिर नमक डाल देंगे। अब हम कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे तेज आंच पर 1 सीटी और मीडियम फ्लेम पर 3 सीटी लगाएंगे। ये देखिए छोले पक चुके हैं, इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब हम एक पैन में तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो जाने पर हम इसमें जीरा डाल देंगे, इलायची डाल देंगे, लौंग डाल देंगे, फिर दालचीनी डाल देंगे। अब हम इसमें तेज पत्ता डाल देंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। अब हम इसमें प्याज का पेस्ट डाल देंगे। हम इसमें अदरक का पेस्ट डाल देंगे, फिर लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर भूनना है। ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो रहा है। अब हम इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर डाल देंगे, फिर छोले मसाला डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। गैस के फ्लेम को कम ही रखेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे मसाला ना जले। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। टमाटर के पेस्ट को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें नमक डाल देंगे। अब गैस के फ्लेम को कम करके पैन का ढक्कन बंद कर देंगे। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद देखिए टमाटर पक चुका है। अब हम इसमें उबले हुए छोले डाल देंगे। देखिए ये छोले बहुत अच्छे से पक गए हैं। जब चने फट जाते हैं इसका मतलब वे अच्छे से पके हुए हैं। अब हम इसमें करीब 1 गिलास पानी डालेंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम कर रखेंगे। इसे ढक देंगे करीब 6-7 मिनट के लिए। इसे मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे। ये देखिए ये छोले करीब करीब बन चुके हैं। अब हम रोस्टेड कसूरी मेथी इसमें इस प्रकार से क्रश करके डाल देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स अभी हमारे छोले सर्व करने के लिए तैयार हैं। इसे आप भटूरे, पूरी, कुलचे, नान के साथ सर्व कर सकते हैं। दोस्तों मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक इंस्टाग्राम पर देसी कलर्स को फॉलो करें।
थैंक यू।